हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री महोदय व अन्य नेतागण हरियाणा के चुनाव में जाकर बड़ी मात्रा में झूठ परोसने में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आने के बाद जब वो गारंटियां उनसे पूरी नहीं हुई, हिमाचल का खजाना खाली हो गया, तो अब हरियाणा में जाकर ये कहना कि हमने सारी गारंटियां पूरी कर दी, ये एक बहुत बड़ा धोखा देश की प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है। हरियाणा में जाकर ये कहना हमने 18 साल से ऊपर की सभी बहनों को 1500 रुपया महीना दे दिया, ये कहना कि हमने लाखों रोजगार नौकरियां दे दी, और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को लगातार विकास के लिए धनराशियां उपलब्ध कराई। आज हिमाचल प्रदेश में और 4 लेन नेशनल हाईवेज का काम तेज गति के साथ चला है, टनल्स बनाने का काम, रेलवे का काम, ओवर ब्रिजेज बनाने का काम, लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का विकासात्मक कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर चला है। और उसके बाद हरियाणा में जाकर कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं हमको और मोदी सरकार से फूटी कौड़ी नहीं मिली। इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं हो सकता। आज हिमाचल प्रदेश में केवल और केवल वो काम चल रहे हैं जिनकी फंडिंग केंद्र से मोदी सरकार से आ रही है। हिमाचल सरकार के द्वारा शुरू किया गया कोई भी काम हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं चल रहा। इस प्रकार जनता को भरमाने का जो काम शुरू किया है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हिमाचल की जनता और देश की जनता हिमाचल की सरकार और कांग्रेस पार्टी की असलियत को ठीक से समझ चुकी है।